गणेश चतुर्थी क्यों है मनाते, आओ तुम्हें हम आज बताते। कथा को सुनना लगा के ध्यान, प्यारे गणेश की महिमा गाए, हाथ जोड़ कर इनको मनाए। त्रुटि हो तो कर देना माँ, संकट हरता मंगल करता, भक्तों की झोली को भरता। सबसे पहले होता पूजन, इनके बिना सब काम अधूरे, इनसे काम सभी हो पूरे। शिव गौरा के लाल है प्यारे, प्रचलित इनकी कई कथाएं, उनमें से कुछ तुमको बताएं। जो भी ध्यान लगा कर सुनता, पार्वती माँ एक बार जब स्नान करन को जाती हैं, तब अपनी मैल से पार्वती माँ उस पुतले में डाले प्राण। गणेश उसका रख दिया नाम, ध्यान से सुन लो प्यारे गणेश। मुद्गल होकर द्वार पे बैठो, इसका थोड़ा ध्यान रखो तुम। माता तेरी स्नान को जाए, द्वार पे ध्यान से बैठे गणेशा, तनिक देरी में आए महेशा। भीतर भोले जाने लगे तब, अंदर माँ स्नान है करती। मेरी आपसे इतनी विनती, पहले माँ से आज्ञा लूंगा, तुम्हें अंदर जाने दूंगा। श्री गणेश की सुन बातें, शिव को आया क्रोध। अपने महल के भीतर ही जाने से रहा रो। शिव ने उसको था समझाया, अपना परिचय भी बतलाया। कोई बात ना मानी उसने, त्रिशूल उस पर शिव ने चलाया। तन को सिर से अलग हटाया, सुन के गणेश की करुण पुकार। पुत्र गणेश को मूर्छित पाया, माँ की समझ में कुछ नहीं आया। पार्वती ने शिव से बोला, अपने मन के भेद को खोला। ये है मेरा पुत्र निराला, तुमने जिसको मार है डाला। पुत्र मोह में दुखी थी माता, अन्न और जल को माने त्यागा। मन में पुत्र प्रेम अति जागा, माता बोली शंकर जी को, इसको शीघ्र तुम जीवित कर दो। शिव से माँ हो गई नाराज, चिंतित हो गए भोलेनाथ। दूर करी माँ की नाराजगी, हाथी का मस्तक ला करके उसको लगाया गणेश के तन पे। गणेश को दिया जीवन दान, सब देवों ने मिलकर तब ही अपनी अपनी देकर शक्ति। श्री गणेश को महान बनाया, इस दिन में ये घटना घटी थी। भाद्रपद माँ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का वो दिन था प्यारा, इसलिए उत्सव है ये न्यारा। इस दिन उत्सव सभी मनाते, नाचते गाते इन्हें रिझाते। जो भी करता इनका ध्यान, गणेश चतुर्थी के व्रत को करते जो भी जन, उनकी सभी मनोकामना होती है पूर्ण।
एक पौराणिक और कथा है, भक्तों क्या तुम्हें उसका पता है, आओ कथा वो तुम्हें बताएं। श्री गणेश को सभी बताएं। एक ऋषि थे वेद व्यास जी, भारत माँ की कथा लिखी थी, कथा को लिपिबद्ध करने को उन्होंने बोला श्री गणेश को। ऋषि ने बोला श्री गणेश से, जैसे जैसे बोलूं मैं तुमसे, वैसे वैसे इसको लिखना, चूक कोई इसमें नहीं करना। श्री गणेश जी लिखने लगे, तब कथा ऋषि वर कहने लगे, जब कथा निरंतर कहते ऋषि जी, जिस दिन कथा ये कहने लागे, कथा गणेश जी लिखने लागे, गणेश चतुर्थी का वो दिन था, आंखें मूंद के कहते रहे ऋषि, श्रद्धा भाव से लिखे गणेश जी, 10 दिन तक ये कार्य चला था। ऋषि ने जब आंखें थी खोली, मुख से न निकली उनकी बोली, देख गणेश को हुए हैरान, गणेश जी रहे थे कांप, उनके तन का बढ़ा था ताप, ऋषि ने फौरन खोजा उपाय, ऋषि ने जब ये किया था ऐसा, गणेश चतुर्दशी का वो दिन था, इसीलिए सारे ही भक्तजन गणेश चतुर्थी को जन सारे, गणेश मूर्ति को घर में बिठाते, श्रद्धा भाव से उन्हें रिझाते, विघ्न हरण मंगलकारी गणपति जी महाराज, अपने भक्तों के सभी पूर्ण करते काज। 10 दिन तक उत्सव ये चलता, हर कोई आनंद में रहता, अद्भुत इनका होता श्रृंगार, मंगल आरती सब ही गाते, नाच नाच गणपति मनाते, लड्डू का सब भोग लगाते, अनंत चतुर्दशी के दिन सारे, भजन बजा कर प्यारे प्यारे, तरह तरह की बाटे मिठाई, गणपति बप्पा हर कोई बोले, इनकी मस्ती में सब डोले, अगले साल दोबारा आना, कोई सागर कोई नदी में, कोई जलाशय कोई झील में, मूर्ति का करता है विसर्जन, काटे गणेश जी सबकी उलझन, उलझन सबकी काटने वाले, सभी सुखों को बांटने वाले, शिव गौरा के लाल निराले, जिस पर इनकी रहती कृपा, काम कभी नहीं उसका रुकता, सबका काम बनाने वाले, सबके संकट टालने वाले, हे गणपति हे देव गजानन, जीवन में कर देना आनंद, हम भी बैठे शरण तिहारी, रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन हीन के भाग्य विधाता, भाग्य हमारे भी चमका दो, तुम सम नहीं कोई है दूजा, शाम सवेरे करते पूजा, सिर्फ हमारे रख दो हाथ, सब देवों में आपका ऊंचा है स्थान, शरण तिहारी आए हैं कर देना कल्याण।